देश भर में कोरोना वायरस के लगभग 29 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है, लेकिन मथुरा में एक युवक ने कोरोना वायरस के कारण अपनी बहन की मौत का दावा किया है। दरअसल युवक की माने तो उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे प्राइवेट अस्पताल में दिखाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। वहीं जब परिजनों ने डॉक्टर से बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कोरोना वायरस होने की आशंका जताई, जिसके बाद परिजनों ने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी, तो कुछ देर बाद ही लड़की की मौत हो गई। मृतका के भाई का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ही उसकी बहन की मौत हुई है। ये मामला ये था, कल इसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी, तो ऐसा बता रहे हैं कि कुछ उसने कुछ टमाटर वमाटर खा लिए या फिर कुछ खान पीन करने के बाद में, वो लड़की बता रही थी कि मैं गिर गई हूँ, मेरे गिरने की वजह से पैर में चोट लगी है। जब हम उसको हॉस्पिटल लेकर के पहुँचे तो राया से डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने उसको मथुरा के लिए रेफ़र कर दिया। हम उसको मथुरा लेकर के पहुँचे माहेश्वरी हॉस्पिटल में, तो तकरीबन 3-4 घंटे इलाज करने के बाद उसका बीपी नहीं आया। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका बीपी नहीं आ रहा है, आप चाहो तो उसको दूसरी जगह ले जा सकते हो। लेकिन जब हम उसको दूसरी जगह रामकृष्ण मिशन इमरजेंसी लेकर के पहुँचे तो वहाँ उन लोगों ने करीब 2.5 से 3 घंटे तक सब कुछ देखने के बाद और जांच करने के बाद ये बताया कि आप इसको दिल्ली एम्स ले जाइए, इसमें हमको कोरोना के लक्षण नज़र आते हैं। तो हमने उनसे ये कहा था कि आप इनको 1 घंटे या 2 घंटे कुछ समय रखें या सुबह तक रखें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनको एक पल यहाँ नहीं रख सकते और यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, और हम कागज़ आपका कार्ड बना के दिए देते हैं। और उन्होंने रेफर वाकया था लिख करके भी कागज़ पर दिया है और बोला है कि ऐसा हमको लग रहा है कि शायद इसमें लक्षण हैं, क्योंकि काफ़ी कोशिश करने के बाद इसका बीपी नहीं बढ़ रहा है और एक नॉर्मल सैलाइन देने के बाद बीपी बढ़ जाता है, तो इसलिए आप इसको जितना जल्दी हो सके दिल्ली ले जाइए। 9:40 करीब हम रामकृष्ण मिशन में इसको लेके गए थे, उसके बाद में तकरीबन 11:20 पर उन्होंने हमको बताया, और मेरे पास वो कागज़ भी है जो उन्होंने लिख करके दिया है, उसमें साफ साफ उन्होंने रेफर भी दिल्ली के लिए किया है और उसमें कोरोना वायरस प्रश्न चिन्ह में ऐसे कुछ लिखा है, उसमें लिख करके भी दिया। इस समय क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन तो रात को फिर जैसे हम हॉस्पिटल उसको लेकर के निकले थे तो 20 से 25 मिनट बाद वो एक्सपायरी हो गई थी, लेकिन करीब 4 बजे से लेकर के उसको पहले तो शुरुआत में खांसी हुई थी, खांसी होने के 2-3 दिन से खांसी थी नॉर्मल, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कल ज़्यादा खांसी होने के कारण उसको वॉमिटिंग भी हुई और पलटी बंद होने के बाद उसका पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। उसके पेट के दर्द में ही डॉक्टर ने सारे ECG भी किया, एक्सरे भी किया, खून की कुछ जाँचें भी की। फिर करीब 11:20 से 25 मिनट में उन्होंने हमको बुलाया, बुला के बताया कि आप अपने पेशेंट को दिल्ली ले जाइए। मैंने उनसे पूछा भी था ऐसा क्या, तो तब उन्होंने लिख करके दिया कि लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस के लक्षण हैं। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से मृतका के भाई के दावे की पुष्टि नहीं हुई है। एक पेशेंट आया था, सस्पेक्टेड यंग फीमेल थी, जिनको खांसी कफ कोल्ड था 7 दिन से, उसके बाद वो हमारी इमरजेंसी में आया, उस टाइम पर उनका बीपी जो है वो नॉट रिकवरेबल था, प्लस उनका सैचुरेशन कम हो गया था। हमने उनको रिक्वायर्ड जो भी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराई, बीपी मेंटेन किया, फिर उनको रेस्पेक्टेड, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में या फिर हमारी तरफ से कोई गवर्नमेंट एडवाइजरी अभी तक नहीं आई है कि हमें कोरोना के लिए क्या करना है, तो हमने उस पेशेंट को रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट जो कि इसको डील कर रहा है ऑल इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज दिल्ली के अंदर रेफर कर दिया, क्योंकि वो लोग उस पर उनके पास प्रॉपर केयर है, प्रॉपर आइसोलेशन है, तो वो वहाँ जाना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कितनी एज रही होगी उनकी, क्या नाम था? उनका नाम खीना था शायद, व्यक्ति मेरे को नाम नहीं याद, 19 साल की फीमेल थी, इनको 7 दिन से कफ एंड कोल्ड की ही दिक्कत थी, कहाँ की रहने वाली थी? शायद राया की रहने वाली थी। लेकिन मृतका के भाई ने जो दावा किया है उसके कारण परिवार और इलाके में काफी दहशत का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।